फ्लोरिडा के ग्राउंड पर आखिरकार मुकाबला हो ही गया, पहला मैच हो ही गया। 3 मैच लगातार बारिश के कारण रद्द होने के बाद आज फाइनली पहला मुकाबला खेला गया पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड का, और पाकिस्तान फिर से हारते हारते बच गई आयरलैंड से। पाकिस्तान आज फिर से बड़ा उलटफेर का शिकार होने वाली थी, नहीं, उलटफेर का शिकार नहीं होने वाली थी, आयरलैंड उलटफेर का शिकार हो गई है, जो पाकिस्तान हरा दिया आयरलैंड को। अभी का जो सिचुएशन है, पाकिस्तान सबसे गंदा क्रिकेट खेली है। हमको लगता है पूरे वर्ल्ड कप में 20 टीमें खेल रही है, एसोसिएट टीमें से लेकर के टेस्ट प्लेइंग नेशन, उसमें हमको लगता है सबसे गंदा अगर कोई टीम है तो वो पाकिस्तान खेली है इस साल। हाँ, आप 4 मुकाबले खेले हैं, 4ों मुकाबले आप उठा करके देख लीजिए पाकिस्तान का कितना गंदा क्रिकेट खेली है। पहला मुकाबला यूएसए से हार गई, सुपर ओवर में हार गई। दूसरा मुकाबला इंडिया से 120 रन नहीं चेस हुए इनसे। तीसरा मुकाबला कनाडा से खेले, उसमें भी मात्र 103 रन चेस करने में इनको 18.5 ओवर लग गया। और आज फिर आयरलैंड से मुकाबला था और मात्र 107 रन चेस करने में इनको 19वां ओवर तक ले जाना पड़ा है और 7 विकेट इनके गिर गए थे। अब बताइए, एक टेस्ट प्लेइंग नेशन है ये, पाकिस्तान का क्रिकेट टीम है, ऐसे खेलेगी? आज फिर से जिल्लत झेलने से बच गई पाकिस्तान, एक और हार हारने से बच गई पाकिस्तान, फिर से पाकिस्तानी फैन से गाली खाने से बच गई पाकिस्तान, फिर से बेइज्जती होने से आज बच गई है पाकिस्तान। कौन सा मुंह लेकर के आप जाओगे पाकिस्तान कल, क्योंकि आपका टूर्नामेंट तो आज समाप्त हो गया है। अब आपके लिए कुछ यूएसए और वेस्ट इंडीज में, और आप जाइएगा कल पाकिस्तान लाहौर, क्या मुँह दिखाइएगा आप अपने दर्शक को कि हम वर्ल्ड कप जीत करके आ गए? अरे जीतना हारना अलग चीज़ है, कोई एक ही टीम जीतेगी, लेकिन आप क्रिकेट तो अच्छा खेलिए। आज ही का आप अगर मैच का बात कीजिएगा तो पाकिस्तान के गेंदबाज इतनी अच्छी गेंदबाजी किए थे कि मात्र पावर प्ले में ही 6 ओवर में 32 रन पर 6 विकेट आयरलैंड के गिरा दिए थे। अब जनरली किसी भी टीम का 6 विकेट गिर जाने के बाद आप कितना सोच सकते हैं, 50 रन 60 रन, वो भी आयरलैंड जैसी टीमों को, कमज़ोर टीमें हैं भाई आपके सामने में। आपके गेंदबाज बहुत नाम है दुनिया में आपके गेंदबाजों का, वो गेंदबाज 107 रनों तक आपके रन ले गई है और आपसे ऑल आउट नहीं हो पाई है, मात्र 9 विकेट ही गिर पाई, वो टीम आपसे ऑल आउट नहीं हुई है, क्या खाक आप खेलिएगा? चलिए वो भी आप ठीक किए, चलिए 107 पर फिर भी आप रोक लिए टीम को, और ये न्यूयॉर्क का ग्राउंड नहीं था जो आप 107 रन पर भी 19वां ओवर तक गेम ले जाते हैं। आसानी से इस गेम को आप 10 से 12 ओवर में चेस कर देते, तब ना आपको लोग कहता कि हाँ पाकिस्तान आज इंटेंट दिखाया है। लेकिन आज तो आज भी आप लगभग हारते हारते बच गए आयरलैंड जैसी टीमों से। अच्छा खासा चीज चल रहा था, उसमें आप गंदा शॉट खेलकर, रिजवान को क्या जरूरत था वैसे मारने का, फखर जमान साहब का जरूरत था, लास्ट में आवास अफरीदी अच्छा खेले हैं, लेकिन वो भी जब 12 रन लेना था तो लग रहा था 2 छक्के मारकर ही जीत लेंगे। यही होता है प्रेशर और यही होता है बुद्धि का खेल। बाबर आजम साहब को जिम्बाबर कहा जाता है पूरे पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड में, लेकिन गलत नहीं कहा जाता है। वो आज भी लास्ट टू लास्ट तक टिके थे, लेकिन वो मुकाबला नहीं जीता पाते अगर सामने से आवास अफरीदी और शाहीन अफरीदी वो 2 छक्के नहीं मारे होते, क्योंकि इनका इंटेंट ही नहीं पता चलता है कि बाबर आजम खेल रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। जी हाँ, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच जो मुकाबला चल रहा है उसमें भारत ने साउथ अफ्रीका को 143 रनों से हरा दिया है। कहिएगा भारत और साउथ अफ्रीका का कौन मुकाबला चल रहा है? जी हाँ, भारत और साउथ अफ्रीका वुमेन्स टीम वनडे का मुकाबला चल रहा है, और पहला मुकाबला आज था बेंगलोर में, और 265 रन बनाई थी 50 ओवर में इंडिया, और मात्र 122 रनों पर बुक कर दी है, ऑल आउट कर दी है साउथ अफ्रीका की टीम को। स्मृति मंधाना का शानदार शतक देखने को मिला है, 117 रन बनाई है और मैन ऑफ द मैच रही है। भारतीय पुरुष टीम तो ऑलरेडी सुपर एट में पहुंच चुकी है, पुरुष टीम का 20 जून को मैच होने वाला है अफगानिस्तान से, देखना है कहां तक क्या कर पाती है। लेकिन पाकिस्तान बहुत बड़ा मुकाबला आज जीत करके सुपर एट नहीं, सेमीफाइनल नहीं, उससे भी ऊपर, फाइनल से भी ऊपर डायरेक्ट कराची और लाहौर का टिकट कटा ली है, और कल निकल रही है यूएसए से, जोश के साथ उतरेगी कराची एयरपोर्ट पर पाकिस्तान की टीम, वर्ल्ड कप का ट्रॉफी का फोटो खींच कर कि हम जीत करके आए हैं। हालांकि पाकिस्तान यूएसए घूमने ही गई थी समझिए, क्योंकि 8 दिन में इनका टूर्नामेंट खत्म हो गया है, ट्रिप पर गई थी घूमने और घूम ली है अच्छे तरीके से, अब निकलेगी घर, ऐसे भी यहाँ रहकर क्या करेगी, खा करके लैट्रिन बाथरूम ही भरेगी, जाइए पाकिस्तान में ही रहिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है आपका। जी हाँ, पाकिस्तान की टीम चेस करने में इस बार 7 मुकाबले अभी तक हार चुकी है 2024 में, और मात्र 3 मुकाबले जीती हुई है। तो इसका मतलब है कि आपके पास फिनिशिंग टच देने वाला कोई भी बल्लेबाज नहीं है। सदाब खान, इमाद वसीम क्या कर लेंगे, और बॉलिंग ऑलराउंडर है दोनों, और इमाद वसीम तो रिटायरमेंट के बाद आप लेकर के आए थे, मोहम्मद आमिर को आप रिटायरमेंट के बाद लेकर के आए हैं, आपके पास इसका मतलब है प्लेयर नहीं है, प्लेयर नहीं है तब ना आप रिटायरमेंट के बाद खिला रहे हैं। और आप लंबी लंबी बातें करते हैं कि हमारे पास यह बॉलर है वह बॉलर है, आप दोनों तो बॉलर को ही लाए हैं, जब इतने बॉलर है आपके पास तो क्यों लाए हैं? आप अभी बहुत पीछे है पाकिस्तान, क्रिकेट हो चाहे दुनिया के किसी भी मामले में, हर लगभग देश से आप पीछे हैं।
आपसे कहीं भी बेहतर क्रिकेट अफगानिस्तान और बांग्लादेश हमेशा से खेलते आई है और इस टूर्नामेंट में भी खेली है। हाँ, और आप इतना घटिया क्रिकेट खेले हैं और आप कहते हैं हम 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, हम 2022 का फाइनल खेले हैं, घंटा खेले हैं आप घटिया क्रिकेट खेलने वाले। जाइए घरे, पाकिस्तान में रहिएगा और वहाँ से टीवी पर मैच देखिएगा और भारत को सपोर्ट कीजिएगा। बेल, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।